रिपोर्टर नेटवर्क, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। खबरों की शुरुआत करते हैं लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। जोशीमठ में 723 पहुंची दरार वाले भवानों की संख्या, 86 असुरक्षित जल, शुरू होगी ढलाने की कार्रवाई। उत्तराखंड में बदला मौसम, ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी और हल्की बारिश। जोशीमठ में भूदस्ताव में राहत कार्यों के लिए सीएम देंगे मुख्यमंत्री राहत, कोष में अपना एक महीने का वेतन। उत्तराखंड प्रदेश में बिजली संकट, ठंड बढ़ने के साथ ही बिजली की मांग रिकॉर्ड 48 मिलियन यूनिट तक पहुंचे। अब खबर विस्तार से। आज उत्तराखंड में एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया को बताया कि हमारी टीम लगातार मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर नशे की गिरफ्त में आए युवकों की लगातार पूछताछ कर रहे हैं, जिसमें अब तक कई बड़े पेंडर को गिरफ्तार किया गया है और ऐसे ही मामला एक ऋषिकेश से आ रहा है। लालच में चोरों ने 90,000 हेरोइन नगद खरीदी। बताया जा रहा है कि अपनी शौकीन को पूरा करने के लिए हेरोइन खरीदी, जिससे वो आगे भी किसी को बेच रहा था। इस चोरी के मामले पर एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने ऋषिकेश पुलिस टीम को 10,000 का इनाम राशि देने की घोषणा की है। देहरादून में 100 ग्राम हेरोइन की बरामदगी हुई है, जिसमें कि जिसके अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में लगभग 10 लाख कीमत इसकी आंकी गई है। इसमें एक नाबालिग बच्चा है, नाबालिग लड़का है, मध्य प्रदेश में रहने का, और वो यहाँ बेचने आ रहा था। ऋषिकेश में उसको इंटरसेप्ट किया गया। SOG और थाना ऋषिकेश के हमारी टीम ने, और इस पूरी टीम को मेरे तरफ से 10,000 के नाम है। आज SSP दिलीप सिंह कुंवर ने एक प्रेस वार्ता कर मीडिया बंधुओं को बताया है कि सट्टा अंतर्राष्ट्रीय गैंग को थाना राजपुर के प्रयास के गिरफ्तार किया गया है, और आगे बताया कि इस गैंग को पूरे सामान और 8 लोगों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। ये आरोपी मालसी में किए गए एक मकान में रह रहे थे और SSP दिलीप सिंह कुंवर ने इस अवसर पर राजपुर पुलिस टीम को 25,000 की धनराशि देने की घोषणा की है। SOG और थाना राजपुर के संयुक्त प्रयासों से एक अंतर्राष्ट्रीय गैंग को इंटरसेप्ट हमारी टीम ने किया, जिसमें 8 लोग हैं और जो ऑनलाइन सट्टा का काम करते थे। ये लोग मानसी डियर पार्क के पास में किसी के मकान में पिछले एक महीने से रह रहे थे, और जब हमको इसकी जानकारी हुई तो हम लोगों ने हमारी टीम ने इसमें SP क्राइम और SPCT के नेतृत्व में और वहाँ के CO डालनावाला के नेतृत्व में इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इसमें 8 लोगों की बरामद 8 लोगों की अरेस्टिंग हुई है, इसमें से जो छत्तीसगढ़ के हैं, एक चमोली का और 5 मुजफ्फरनगर का रहने वाले हैं। ये लोग ऑनलाइन सट्टा करने के बहुत प्रोफेशनली, बहुत साउंड हैं, मतलब इनको अच्छी जानकारी है। और इनके ये था कि एक महीने में कम से कम 5 से 5.5 करोड़ की जो है ये ट्रांजेक्शन इन्होंने किया है। प्रतिदिन लगभग 15 लाख का जो है ये ट्रांजेक्शन करते थे, और इनके पास से 5 लैपटॉप, LED 2, 21 मोबाइल फ़ोन, जिनके माध्यम से ये क्लाइंट्स से संपर्क करके ऑनलाइन सट्टा का काम करते थे, वो बरामद हुआ है। 13 मोबाइल फ़ोन इनके पर्सनल हैं, जिनसे कि क्लाइंट से बात करके उनसे अपने संपर्क साधते थे। और 3 पासबुक हैं, चेकबुक 5 हैं, ATM डेबिट कार्ड और वीज़ा कार्ड ये 14 हैं। कुछ मोबाइल फ़ोन के एक्सेसरीज हैं, चार्जर वगैरह ये अन्य बरामद हुए हैं। इस पूरी टीम को मेरे तरफ से 25,000 का इनाम, और ये लोग पिछले एक माह से यहाँ कार्यरत थे, और इनके संबंध में बहुत सारी चीज़ें और अन्य जानकारी हम लोग कर रहे हैं। इनके लगभग 15 हमने अकाउंट आइडेंटिफाई कर किया है, जो कि सीज करने, जिसमें फ्रीज करने की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। जोशीमठ में हो रहे भूदंसाव के चलते राज्य सरकार ने अब वहां के व्यवसायिक भवानों को तोड़ने की कवायद शुरू कर दी है, जिसको लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर जमकर हमला भी बोलना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड के पूर्व CM हरीश रावत ने राज्य सरकार के दसवाधिकारण के निर्णय पर एक घंटे का मौन उपवास रखा। हरीश रावत ने कहा है कि राज्य सरकार का ये निर्णय
है नदीनीय है और राज्य सरकार को जोशीमठ में भवानों को ध्वस्त करने से पहले वहां के स्थानीय नागरिकों को मुआवजा राशि बताई जानी थी, जिस पर राज्य सरकार मौन नजर आ रही है। और हमने कहा था अपने सात सूत्री कार्यक्रम में कि आप किसी भी बिल्डिंग को तब ध्वस्त करिए जब आप मुआवजे की राशि न सही तो किस आधार पर आप मुआवजा देंगे उसको घोषित करें। इन्होंने बातचीत के लिए अपने सचिव को जोशीमठ भेजा लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है। जो संघर्ष समिति है जोशीमठ के लोगों और मालिकान में और वहाँ के जनप्रतिनिधि राजेंद्र भंडार जी के नेतृत्व में उन लोगों से जो बातचीत हुई है वो बेनतीजा साबित हुई है। एडहॉक 1.5 लाख रुपए की बात कर रहे हैं जो लोगों ने स्वीकार नहीं किया है। हमने कि ये गलत है, गैर मानवीय है, ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है कि आप आदमी की जिंदगी भर की संपत्ति को बुलडोजर से तोड़ रहे हैं और उसको ये मालूम नहीं है उसको 1 पैसा मिलेगा या 1 करोड़ मिलेगा, 10 करोड़ मिलेगा, कुछ मालूम नहीं। व्यक्ति को ये मालूम नहीं है मेरी आजीविका का भविष्य क्या होगा। जोशीमठ को ये मालूम नहीं है कि हमारा दूसरा जोशीमठ कहाँ जाएगा। लोगों को ये मालूम नहीं है कि जोशीमठ को इस स्थिति में जिन कारणों से पहुँचा है, जिनमें लोग NTPC की टनल को भी मानते हैं, उसके विषय में क्या निर्णय लिया जाएगा। जब ऐसी अनिश्चितता है आप केवल बुलडोजर के सहारे जनता की भावनाओं को बुलडोज कर देना चाहते हैं तो उसके विरोध में हमने 1 घंटे का मौन उपवास रखा गांधी जी की शरण में आए और सब ने सामूहिक रूप से ये तय किया है कल तक का समय उनको दिया जाए प्रशासन को, कल शाम तक जो है जनता की आकांक्षा के अनुरूप भावना के अनुरूप लोगों का मुआवजा और उसकी घोषणा की जाए, उसका सेटलमेंट किया जाए, बातों को तय किया जाए और यदि नहीं होती हैं तो फिर परसों से कांग्रेस डायरेक्ट एक्शन में आएगी। फर्जी लोन ऐप के माध्यम से धोखाधड़ी करने वाले के विरुद्ध साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन और STF उत्तराखंड की बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें 15 ऐप के माध्यम से 300 करोड़ रुपए लोगों को अधिक ब्याज लोन पर देकर लोगों से अवैध वसूली के नाम पर मानसिक उत्पीड़ित करने वाले गिरोह का पर्दाफाश साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन उत्तराखंड द्वारा भारत के विभिन्न कोनों में लोन ऐप के माध्यम से धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के सरगना को गिरफ्तार कर एक बहुत बड़े संगठित गिरोह को ध्वस्त किया है। मैं आप सबको अवगत कराना चाहूंगा कि उत्तराखंड पुलिस द्वारा एक चाइनीज लोन ऐप के बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया गया है। हमारी STF और साइबर थाने की टीमों ने इस काम को किया है। ये लोगों को सस्ते लोन देने के नाम से ठगते थे और उनको SMS भेज करके अपने ऐप को डाउनलोड करवाते थे और फिर उसके माध्यम से अपना उनका डाटा, उसकी परमिशन वगैरह ले लेते थे बीच में जब आप डाउनलोड करते थे उसमें, और फिर लोगों को धमकी देना, ब्लैकमेल करना शुरू कर देते थे, उनके रिश्तेदारों को उसमें कोई ना कोई अश्लील फ़ोटो वीडियो भेज करके ब्लैकमेल करते थे। और इस तरह का इन्होंने 300 करोड़ का घोटाला किया है अभी तक जो हमारी प्राथमिक जाँच में। घोटाला तो बहुत बड़ा है, पूरे देश भर में अभी हमने सिर्फ 5 ऐप का डिटेल देखा तो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर 95 कंप्लेंट्स हैं। ये बहुत सारी चाइनीज ऐसी ऐप्स हैं जिनके माध्यम से घोटाला हो रहा है और उत्तराखंड में ही 200 से ज़्यादा शिकायतें आ चुकी हैं। हमने 29 दिसंबर को पहली FIR दर्ज करके जांच करने के बाद FIR दर्ज की है जिसमें बहुत सारे सेक्शंस लगे हैं, जिसमें 384 का ग्रुप भी है ब्लैकमेलिंग वाला, जिसमें धोखाधड़ी का ग्रुप भी है 419, 420, 469 और बाकी IT Act की धाराएं भी हैं। तो इस भंडाफोड़ के दौरान हमने एक अभियुक्त को अंकुर ढिंगरा को पकड़ा है जो दिल्ली निवासी है, जिसको हमने गुड़गांव से पकड़ा है। ये मैंड्रिन वगैरह जानता है, चाइना में बहुत बार जा चुका है और इसके लैपटॉप से ही हमें पता चला है कि कम से कम 300 करोड़ का ट्रांजेक्शन तो इसी के लैपटॉप में उसमें डिटेल्स हैं। तो आगे की जाँच में और बड़ा भंडाफोड़ होगा। इन्होंने जो है एक हेक्टर लैंडिकारो प्राइवेट लिमिटेड ये नाम की एक सेल कंपनी
बनाई हुई है, उसी से उसका ये इंडियन मास्टरमाइंड लग रहा है। इसमें 5 चाइनीज नाम भी इसके सामने आए हैं और उनके बारे में भी हम आगे कार्रवाई करेंगे। ये जो फर्जी कंपनियां हैं, फ्रॉडस्टर्स हैं, ये पहले गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से करते थे कि सस्ता ऋण देंगे, सस्ते लोन देंगे आपको, पर धीरे धीरे गूगल प्ले स्टोर से इनको हटा दिया गया जब इनकी कंप्लेंट्स हुई, रिपोर्टिंग हुई, तो अब ये SMS भेज करके इस तरह का फ्रॉड्स कर रहे हैं। और जब आप उसको इसको डाउनलोड करते हैं और जब उसमें रजिस्ट्रेशन शुरू करते हैं लोन लेने के लिए, उस दौरान आपसे ऐसी परमिशन ले लेते हैं आपके मोबाइल के कॉन्टैक्ट्स की, फ़ोटोज़ की, वीडियो गैलरी की, और उस परमिशन के बाद फिर आपसे ब्लैकमेलिंग शुरू करते हैं। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, एक तो ये नेशनल लेवल का घोटाला है और दूसरा ये है कि आप लोग इस तरह के जाल में ना आए। पिछले वर्ष इन्होंने जो है पावर बैंक ऐप के माध्यम से 1,500 करोड़ का घोटाला किया था, चाइनीज घोटाला था वो भी, और उसमें 15 दिन में पैसा डबल करने का झांसा देते थे। अब आपको सस्ते लोन का झांसा देते हैं, तो इस तरह के जाल में कृपया बिल्कुल ना आए। देहरादून में बिगड़ती यातायात व्यवस्था के दृष्टिगत देहरादून पुलिस ने शहर के लोगों को यातायात के प्रति जागरूक करने के लिए रैली के माध्यम से अभियान की शुरुआत की है। आपको बता दें 11 से लेकर 17 तारीख के बीच पुलिस प्रशासन यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई भी लेनी शुरू कर देंगी। देहरादून के SSP दिलीप सिंह कुंवर ने बताया है कि कुछ लोग यातायात के नियमों का ठीक से पालन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी तो होती है और वहीं कई बार दुर्घटना की वजह से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है, और इसी को ध्यान रखते हुए इस अभियान की शुरुआत पुलिस प्रशासन द्वारा की गई है। 17 तारीख तक ये रोड सेफ्टी को लेकर के एक बृहद अभियान चलाया जा रहा है, और ये भारत सरकार के जो भूतल पर्यावरण मंत्रालय उनके निर्देशन में पूरे भारतवर्ष में ये अभियान चल रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं और अभी रैली निकलेगी, एक मोटरसाइकिल रैली और हमारे अन्य वाहन भी हैं। इस दौरान हम लोग क्या करेंगे कि एक जो भी वाहन चालक हैं उनको वाहन चलाने में क्या क्या सावधानियाँ बरती जानी है उसके बारे में सहमति हासिल किया जाएगा। एक बड़ा कंट्रडिक्शन है कि हम सब जानते हैं कि वाहन मतलब रैश ड्राइव भी नहीं करना चाहिए, शराब पी के वाहन नहीं चलाना चाहिए, वाहन चलाते समय वाहन का मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना हो, नाबालिग बच्चों को वाहन नहीं दिया जाए, बहुत सारी चीज़ें हैं, सब जानते हैं। जानने के बावजूद भी इसका हम लोग घोर उल्लंघन भी करते हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। उसी संदर्भ में हम लोग आज से लेकर के 17 तारीख तक के बीच में संवेदनशील करेंगे, लोगों को इन्फोर्समेंट की कार्रवाई भी चलाई जाएगी, बृहद स्तर पर जो है विभिन्न स्तरों पर लोगों को संवेदनशील बनाने का कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसी के तहत हम आज ये रैली निकाल रहे हैं, और मेरा आह्वान है आप सभी लोगों से भी कि आप अपने अपने स्तर पर लोगों को ज़रा सचेत सतर्क करने की ज़रूरत है कि जो भी सावधानी वहाँ चलाते समय अपनाया जाना चाहिए उसको अपनाएं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। धन्यवाद। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए ज्योत सिंह बिश ने बताया कि हिमालयन दुनिया की सबसे नई पर्वत श्रृंखला होने के साथ साथ उत्तराखंड राज्य का हिमालयन भूभाग भूकंप की दृष्टि से सेस्मिक जान 4 से 5 से स्थित है, इसीलिए अति संवेदनशील है। इसी हिमालयन क्षेत्र के चमोली जिले में पिछले कुछ सालों में लगभग 22 जल विद्युत परियोजनाएं स्वीकृत करके उन पर काम शुरू कराया गया था। इन 22 परियोजनाओं से लगभग 10 पर काम बंद है, लेकिन 12 परियोजनाओं का काम अभी भी गतिमत है। बावजूद इसके 2013 में केदारनाथ आपदा जिसका असर कर्णप्रयाग तक आया था, और 2021 की रैनी की आपदा से सरकार ने सबक नहीं लिया, इन परियोजनाओं का निष्पक्ष भूसर्वेक्षण नहीं कराया, अवैज्ञानिक तरीके से विकास के नाम पर पहाड़ों का दोहन जारी है। पाला मनीर जैसी योजनाएं और जो गंगोत्री के निकट एक लाहौरी नाग वाली योजना है, उस 60-70% बनने के बाद बंद की जा सकती हैं, तो फिर इन परियोजनाओं पर फिर से क्यों नहीं देखा जा सकता? चार धाम यात्रा मार्ग बनाने के नाम पर जो सड़क का कटान किया गया, खड़ी पहाड़ियों को छेड़ा गया और परमानेंट लैंडस्लाइड जोन जो है डेवलप कर दिए गए हैं, वो हम पहाड़ के लोगों के लिए खतरा, हम पलायन का दंश पहले झेल रहे थे और इस ढंग की योजनाओं के बाद अब लोगों को वहाँ से डर करके भागना पड़ रहा है। आज रोज़गार के लिए भागने की ज़रूरत नहीं, बल्कि उन पहाड़ों के दरकने से जो डर और भय पैदा हो गया है, जान की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है, उसकी वजह से भागना पड़ रहा है। तो ये जो टिहरी डैम से ये जो गाँव एक प्रभावित है जाखणीधार ब्लॉक का, तो
उसमें भी 10 साल से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हमने सुप्रीम कोर्ट में उसकी लड़ाई लड़ी, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उसके अलावा जो उत्तरकाशी ज़िले का भटवाड़ी जो ब्लॉक मुख्यालय और तहसील मुख्यालय है, वहाँ पर भी पिछले 15 साल से भूस्खलन हो रहा है, नीचे नदी से कटाव हो रहा है, उसके बारे में सरकार चिंतित नहीं है। उत्तराखंड के 400 गांव इस ढंग के खतरे की जद में हैं और सरकारें बजट के नाम का रोना रो रही थी। मैं सुन रहा था कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि साहब हमारे पास बजट नहीं है, केंद्र के पास अरबों रुपए है, कोई मुश्किल नहीं है। इन पहाड़ों को अगर जिंदा रखना है, इसकी सभ्यता को, संस्कृति को, इसके धार्मिक स्वरूप को अगर बचाना है, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और ये जो पर्यावरण का जो लाभ हमें इस पहाड़ से मिल रहा है, इन जंगलों से मिल रहा है, उनको बचाए रखने के लिए केंद्र सरकार को इसमें आगे बढ़कर के मदद करनी चाहिए। देहरादून प्रदेश के कृषि और कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने बुधवार को रिंग रोड स्थित किसान भवन में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पुण्यतिथि और आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने पूर्व लाल बहादुर शास्त्री मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो आज के इस खबर में बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर लाइव, धन्यवाद। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी आवाज हमारी।